माय चैनल और आज हम लोग आ रहे हैं नए एक एक्सप्लोरेशन लेके जो कि है राजकोट में, जो कि है राजकोट की आन बान एंड शान और जो कि है राजकोट के बीचों बीच, वो है ये त्रिकोण बाग। ओके, तो यहाँ से हर चीज़ में फीक पड़ती है, आपको कहीं पर भी जाना हो तो आप त्रिकोण बाग, और यहाँ का ऑटो का जो रेंट है वो बहुत ही कम है, या तो 10 रुपीज़ या तो 20 रुपीज़ मैक्स में आपको कहीं पर भी ले जाएगा। और हम आज जा रहे हैं धर्मेंद्र रोड जो कि एक बाज़ार है जहाँ पर कपड़े, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और यही इसी के आसपास सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि घर का सामान हो और घर की बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी लोकल चीज़ें हो या फिर ज्वेलरी हो, ब्राइडल ज्वेलरी हो, कपड़े हो, बहुत सारी चीज़ें इधर आसपास में वही सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आज हम वो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं है पर जितना भी हो सकेगा मैं ऐड करूँगी। और आज हमारे साथ है ये छोटी ब्लॉगर की मम्मी और ये मेरी मम्मी। तो बस अभी धूप बहुत कड़कड़ाती है इसीलिए हम लोग अभी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ढक ढुक के आए हैं पूरा, और अभी देखते हैं जाके। अभी दिवाली गई है तो इतना आई थिंक रश नहीं होना चाहिए, तो लेट्स सी, मैं आगे आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस किस रेट में मिलती है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ का स्टार्टिंग एरिया ये पीछे आप देख रहे हो, ये है त्रिकोण बाग, और यहाँ से स्ट्रेट पड़ता है धर्मेंद्र रोड, और यहाँ से ही सारी बाजार स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो देखो इस तरीके से है, अभी बाजार थोड़ी कम लगती है, शाम का होके तो ये पूरा ही यहाँ पे जो वेंडर्स रहते हैं, लोकल वेंडर्स रहते हैं, वो सारे यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो कि दिन है और अभी अभी दिवाली गई है तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब वेंडर लोग जो अभी है अभी तक पूरे कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ है मार्केट। वन पीस है, ड्रेस है, कितने का है ये, कितने का है ग्रीन वाला, 1250। सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है, ये देखिए पूरा ही और शोरूम भरा पड़ा है नई नई वैरायटीज़, अभी दिवाली गई है फिर भी इतनी सारी क्वालिटीज़ है, इतनी सारी वैरायटीज़ है। ब्लैक ब्लैक कितने का है ये, दो सौ पच्चीस का है ये।
150 या फिर 200 में टी शर्ट बेचते हैं, या फिर देखो आपको ऐसे बोल्स में मिल जाएंगे जहाँ पे प्राइस लिखी होगी हर चीज़ की, तो आप इजीली मतलब अंदर जाके जहाँ पे प्राइस लिखी होगी वहाँ पे आप अपने हिसाब से जा सकते हो, अपने बजट के हिसाब से जा सकते हो। और देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कुर्तीज़ हैं यहाँ पर, बाजार के जस्ट थोड़ा सा आगे ही ये है, इसका नाम है परा बाजार। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, स्टील की, पीतल की, और स्टैंड्स मिलते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस मिलते हैं, किराना स्टोरेज बॉक्सेस मिलते हैं, प्लास्टिक्स मिलते हैं, वैसे बहुत सारी जो दुकान में यूज़ आने वाली चीज़ें, घर में लोकल यूज़ आने वाली चीज़ें सारी यहाँ पर मिलती है। ये इस तरीके से पूरा ही मार्केट है यहाँ से वहाँ तक। ये देखो तराजू भी मिलते हैं यहाँ पर, और सारी छोटी बड़ी ये वेट नापने की मशीन है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अब जाहिर है ये सब की तो मैं प्राइस नहीं पूछ सकती, तो आपको आकर ही यहाँ पे पूरा प्राइस चेक करना पड़ेगा। और ये सारी दुकानें नेगोशिएबल है, जहाँ पे जाके आप पूरा भावताल करा के सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। तो ये है थोड़ी बहुत पूजा की सामग्री यहाँ पे मिल रही है, जहाँ से हमने थोड़ा बहुत परचेज किया है जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे है ये मुखवास की दुकान, जहाँ पे सारे मुखवास मिलते हैं, और यहाँ पे ये साड़ियों की और अलग अलग चीज़ों की दुकानें हैं। दुकानें और गोडाउन हो चुके हैं, बन चुके हैं यहाँ पे। क्या नाम है? नसीब। नसीब, अच्छा तो नसीब के ये यहाँ पर प्रहलाद टॉकीज के पास यहाँ पर ठेला है, आके ले जाओ सारी चीजें, बिक जाए बच्चे की। कहाँ से हो? राजस्थान से हो? सोनाली। कितनी एज क्या है तुम्हारी, उम्र क्या है तुम्हारी? 12-13 साल। वो भी नहीं पता। बहुत ही प्यारा बच्चा है, और यहाँ पर ये सब कुछ इसका ढेला लगता है पूरा। बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत आगे जाओगे बच्चे। चलो भाई। तो ये यहाँ से स्ट्रीट स्टार्ट होती है, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें आपको होलसेल रेट में मिल जाएगी, और सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, जैसे मोती है, डायमंड्स है, स्टोन्स है, वगैरह वगैरह। जो ये पॉम है देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिजनेबल रेट में मिल जाएगी, और अलग अलग सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। कुछ हैंडमेड बनाना हो, DIY करना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और इन सब के पीसेस के हिसाब से भाव रहते हैं, एक पीस का ये, दो पीस का वो, ऐसे से भाव रहते हैं। आपको सिंगल पीस भी मिल जाता है यहाँ पर।
और गली स्टार्ट होती है जहाँ जिसको बोलते हैं दर्ज बाज़ार। और यहाँ पे आपको सारी सिलाई कढ़ाई की चीज़ें मिल जाती है होलसेल रेट में, पूरा जो भी धागे वगैरह रहते हैं, फिर सुई या फिर कढ़ाई सिलाई की कोई भी आइटम हो, बटन्स वगैरह रहते हैं, वो सारे आपको होलसेल रेट में मिल जाते हैं यहाँ पे। ये पूरी गली यहाँ से लेके एंड तक पूरा यहाँ पे सारी सिलाई कढ़ाई की ही चीज़ें मिलती है। तो ये जो इस तरफ जो गली जा रही है वहाँ पे पूरा ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। और ब्राइडल मतलब जो रखने की चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम जो मिलती है वो सब उस जगह पे मिलती है जहाँ पर हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और वो हमने सारा दिखा हुआ है तो हम वो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और शायद ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इस साइड जा भी नहीं रहे। तो बस ये था। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। हमारी शॉपिंग भरपूर हो चुकी है बहुत सारी और हम अभी ऑटो का वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं और हमारी हालत आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये देखो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा टायर्ड है हम लोग। तो अभी जाएंगे घर। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कैसा ब्लॉग लगा सर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ बाद में बोल। कीप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको सबसे ज़्यादा अगली कौन सी चीज़ जाननी है, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बिलो, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।